इलेवेंथ क्लास में जो हमारे पास एन सी आर टी और न्यूमेरिकल हैं वो हम कर रहे थे, और ऐसे ही जो 24 न्यूमेरिकल यू इम्प्लांटे से देख रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि जो हमारे पास कोई बुलेट है उसका मास गिवन है, ग्राम में है तो किलोग्राम में बदले आ थी, ज़्यादा सुनी रखी है बुलेट की। एक बुलेट है उसका मास 10 ग्राम है, स्पीड दे रखी है उसकी, उसे फायर करा गया है डोर से, और वो हमारे पास एग्जैक्टली सेंटर में जा रही है डोर के, और एक मीटर तक का जो है वाइडली, और वेट जो है हमारे पास उसका 12 किलोग्राम है। इट इज़ द हिंग एट वन एंड एंड रोटेट अबाउट ए वर्टिकल प्रैक्टिकल विदाउट फ्रिक्शन, फाइंड द एंगुलर स्पीड निकालनी है हमें डोर की। डोर का जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है गिवन है m2/3, तो थिकनेस रखी आपको डोर की। वन मीटर रेडियस भी गिवन है, मास भी गिवन है डोर का, एंगल मोमेंटम बुझ है, जो एंगल मोमेंटम होता है वो कितना होता है, जे इक्वल टू mv2 mvr ये होता है, ठीक है फॉर्मूला, ये आया कैसा, ये होता है फॉर्मूला जे इक्वल टू आर कॉस पी, पी इक्वल टू था एम वी, ऐसा आया फॉर्मूला, ठीक है इसी वैल्यू लेंगे मास की, बुलेट का बुझा, ठीक है बुलेट, बुलेट का एंगल मोमेंटम निकालना है पहले। तो मास कितना है आपका बुलेट का, 10 × 10^-3, और वी कितना है 500, आर कितना है 1/2, जैसे सोल्व कर लेंगे तो रहेगा 2.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना डोर का, आई कितना होता है डोर के लिए 1/3 ml2, ये वैल्यू आप याद कर लेंगे, मास गिवन है आपका 12, रेडियस कितनी लेंथ कितनी है 1/2, कितना रहेगा 4 आ जाएगा, 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब आपने फोन पढ़ रखा है जे इक्वल आई ओमेगा, और मैं बुझा आपसे ओमेगा इक्वल कितना, जे कौन आई, जे कितना निकाला आपने 2.5, और आई कितना आया 4, डिवाइड करना आया 0.625 रेडियन पर सेकेंड, यूनिट जाएगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन में 21 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक सॉलिड सिलेंडर है वो रोल कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन पर 30 डिग्री के एंगल पर, तो सिलिंड्रिकल बॉडी है, हाइट को भी कोई ना कोई, स्पीड भी रखी है वी, एक तो बताना आपको ये एस बताना है कितना डिस्टेंस है, एक हाइट बतानी है आपको, क्योंकि जो है पोटेंशियल एनर्जी होगी वही हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर दोनों होंगी के ट्रांसलेशन प्लस के रोटेशनल, ट्रांसलेशन का फॉर्म होता है हाफ mv2, रोटेशन होता है आई ओमेगा स्क्वायर, ये रहेगी mgh, सॉलिड सिलेंडर के लिए आपको पता है आई कितना होता है 1/2 mr2, ये 1/2 m,
आर ओ में कुल एक जगह कर लिख लिया। आर ओ बनेगा वी स्क्वायर, इसके एल से बनेगा फोर, टू टू या फोर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ का मैं एच निकालना था, थ्री वी स्क्वायर अपॉन फोर जी, वी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में फाइव, जी की वैल्यू 9.8, तो सॉल्व कर लेंगे हम एच को, तो लगा 1.91 मीटर। एक उज्जी का डिस्टेंस, तो यहाँ साइन थीटा ले लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एच कितना है 1.9, ऐसा आपको निकालना है, साइन थीटा के लिए 1/2, एस लगाइए हमारे पास 3.8 मीटर। तो ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, इसमें भी कोई हमारे पास एक ग्रुप है उसकी रेडियस रखी आपको 2 मीटर, वेट दे रखा मास दे रखा 100 किलोग्राम, गैस दे रखी ग्रुप की आपको 0.2 मीटर पर सेकेंड, तो टोटल एनर्जी आपको पता है कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम जी स्क्वायर ट्रांसलेशन, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशन, हुक के लिए आई होता है हमारे स्क्वायर, आर ओमेगा को एजगा लिख लिया, वीकल टू आर ओमेगा ये जोड़ लगा दे रहा है एम और वी स्क्वायर, एम की वैल्यू आपको दे रखी है 100, वी दे रखा 0.2 का स्क्वायर, हिसाब सॉल्व कर लेंगे तो ये रहेगी आपकी टोटल एनर्जी, यानी लगा 4 जूल टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक है, तो इन्हें आप देख लेंगे जो न्यूमेरिकल्स हैं 1.8, और इसके बाद एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं, और कल से नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।